तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में स्थित केवल आंध्र प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने श्रद्धालु पूरे साल काफ़ी अधिक संख्या में जाया करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को पृथ्वी का वैकुंठ के रूप में जाना जाता है। इस तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु का निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान विष्णु भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहीं पर पृथ्वी से प्रकट हुए थे। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान स्वयं विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य स्थित है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान को कम करके रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्ज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है।
ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। श्री तिरुपति बालाजी से जुड़ी और भी खास स्टोरी और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दें।